दोस्तों, आप अगर फ्लाइट में टिकट करते हैं तो आपको जानना जरूरी होता है कि फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाता है तो आपको रिफंड मिलता है या नहीं। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम फ्लाइट में टिकट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, फ्लाइट कंपनी ने अपना फ्लाइट चेंज कर देते हैं या तो अपना फ्लाइट को कैंसिल कर देते हैं। कभी बेड वार्डर के वजह से भी आपका फ्लाइट कैंसिल हो सकता है। आप एयरपोर्ट में पहुंच गया लेकिन वेदर खराब है, मौसम खराब है, इसके वजह से आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो ऐसे में आपको आपका रिफंड मिलेगा कि नहीं। इसमें दोस्तों दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है, कभी कभी एयर कंपनी ने अपना फ्लाइट का शेड्यूल में थोड़ा चेंज कर देते हैं, जिसके वजह से आप जिस फ्लाइट में टिकट कर रहा था आपका वो फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाते हैं तो वो आपको एक मेल भेजते हैं, एक कॉल करते हैं और SMS भी करते हैं कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया, और आपको इसमें ऑफर भेजा जाता है कि आपको दूसरा फ्लाइट में, उसी डेट में दूसरा फ्लाइट में आपका सीट बुक कर दिया गया है। आप अगर इसे एक्सेप्ट करते हैं तो ओके कर लीजिए, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उसका रिफंड दे दिया जाएगा, फुल अमाउंट रिफंड दे दिया जाएगा। और ये चीज़ होता है फ्लाइट जाने से कुछ दिन पहले, कम से कम सप्ताह भर, 12 दिन 15 दिन पहले आपको ये बताया जाता है। तो ऐसे में हर बार आपको फ्लाइट कंपनी ने आपका जो कॉम्पेंसेशन हिसाब से दूसरा फ्लाइट में आपका बुकिंग कर देते हैं जिसमें अवेलेबल है उस डेट में, उसी डेस्टिनेशन तक। आपका मर्जी है, वो आप एक्सेप्ट करना चाहें, जो दूसरा फ्लाइट में बुक किया, दूसरा टाइम में बुक किया जो, वो आप ले सकते हैं टिकट, और नहीं चाहते हैं तो आप उसे रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपने तरीके अपना तरफ से भी जाके जब चेक करेगा, जो फ्लाइट का कंपनी है उसमें वेबसाइट है उसमें चेक करेगा, और आपको भी वो मौका दे दिया जाएगा आपको शेड्यूल चेंज, सॉरी, आपका जो फ्लाइट बुकिंग वो चेंज करने का और या तो रिफंड लेने का। तो दोस्तों, ये हो गया कैंसिलेशन पहले होने से। और दोस्तों, इसमें और एक बात बताता हूँ, हर बार आप जब भी फ्लाइट का टिकट करेंगे तो उस कंपनी का जो कैंसिलेशन पॉलिसी है, जो रिफंड पॉलिसी है, वो जरूर आप देख लीजिएगा। उसमें सारे के सारा चीज़ें डिस्क्राइब करके रखा हुआ रहता है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, yatra.com हो गया, ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप अगर फ्लाइट का टिकट करते हैं तो रिफंड के लिए आपको डायरेक्टली जिस कंपनी का फ्लाइट है, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, उनके वेबसाइट में जाना पड़ेगा, नहीं तो उनसे बात करना पड़ेगा। आपको मेक माई ट्रिप या yatra.com से बात करने से तब काम नहीं चलेगा, तो आपको इसी से ही करना पड़ेगा। फिर दूसरा कंडीशन मैं बता रहा था कि जैसे आप एयरपोर्ट में पहुंच गया लेकिन वो बेड वार्डर का वजह से आपका फ्लाइट हो गया डिले या तो हो गया कैंसिल, तो ऐसे में आपको हो सके आपको कोई रिफंड ना मिले, क्योंकि ये फ्लाइट कंपनी का खुद का गलती का वजह से नहीं हुआ, तो इसीलिए आपको रिफंड ना भी हो सके। तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ रिफंड मिलता है। क्या रिफंड मिलते हैं? आपका जो टिकट का जो टैक्सेस है, जो एयरपोर्ट फी है, ये सब चीज़ें वापस मिलते हैं। आप अपना काउंटर से, जिस कंपनी का फ्लाइट है उस काउंटर से आप ले सकते हैं, लेकिन किसी किसी कंपनी ने पूरा का पूरा भी रिफंड करते हैं। तो ये आपको एयरपोर्ट में उस कंपनी का जो काउंटर है उससे जानकारी लेना होगा, और जितना हो सके दूसरा, अगर बाद में आपका फ्लाइट का बुकिंग भी कर देते हैं दूसरा फ्लाइट में अगर ऐसे में, तो उनसे ये बातचीत कर लेना होता है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में पता चल गया होंगे, क्योंकि मुझे एक व्यूअर ने पूछा था फ्लाइट कैंसिल होने से मुझे रिफंड मिलेगा कि नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिला होंगे,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।